कहेंगे डोमी नगर परिसर में यहाँ पे सीसीटीवी का उद्घाटन किया, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, उमरा कौशक के विविध ठिकानों पे काफी हद तक सोसाइटी परिसर के लोगों की हमेशा से मांगनी थी कि उनकी जितनी परिसर डोंगरे भाग, तनवर नगर, अमृत नगर, बहुत सारी जगहों पर सीसीटीवी लगा के लोगों को जो कई चोरी होती है, नशेखोरी होती है, लड़कियों से छेड़छाड़ होती है, कोई भी चीज की मतलब कोई प्रॉब्लम है तो सीसीटीवी लगाने से उनकी जो दिक्कत है वो काफी हद तक कम हो जाएगी, ऐसी मांगनी थी। डॉक्टर जितेंद्र रावत जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने, फरदाना शाकिर मैडम ने, अश्विन राउत मैडम, इब्राहिम भाई ने, शाकिब भाई ने, शाकिर भाई ने, रफीक चाचू, बबलू भाई, नईम भाई, हमीद भाई, सब तनवीर भाई, नासिम भाई, जितने भी सब लोग हैं, ये सभी लोगों की सहयोग से, यहाँ के सभी कॉम्प्लेक्स की सहयोग से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सीसीटीवी लगाने का फुटेज का आज काम पूरा हुआ, जिसने आप देखे कि यहाँ पे आज इफ्तिदा हुई है। और इंशाल्लाह तआला हम लोग सब मिलकर आगे के भी इस भाग के जो बहुत सारे काम बचे हुए इंशाल्लाह तआला हम पूरे करने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र रावत जी के मार्गदर्शन में उनकी पूरी टीम जो विविध ठिकाने के सभी काम है वो बहुत जल्द काफी हद तक पूरे होने वाले। कितने सीसीटीवी लगाए गए और किसका एरिया कहाँ तक होगा, कितना कवर करेगा? आप ये नोबल कॉम्प्लेक्स से लेके नाके तक पूरी जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगे, लगभग 23 कैमरे लगे और हर सोसाइटी के अंदर उसकी जो है टीवी के जरिए से उनकी जो डिटेल्स है वो दिखाई जाएगी, ताकि लोगों तक लोग जो जुर्म करने वाले वो भी अटेंशन हो जाए और जो नागरिक है वो कहीं ना कहीं से सुकून से रह सके। स्टोरेज भी यही है, स्टोरेज भी यही है। बस आप लोगों से दुआओं की गुजारिश है और इंशाल्लाह ताला आगे भी हम सब मिलके यहाँ के परिसर के बच्चे हुए काम करेंगे। जाकिर भाई क्या कहेंगे, कैमरे का यहाँ पे उद्घाटन किया गया, सीसीटीवी लगाए गए, क्या कहेंगे इस पर? हम यही कहना चाहते हैं, जैसे अभी शानू ने सब बताया कि परिसर के, हमारे यहाँ के परिसर के डोंगरे नगर के लोगों की एक काफ़ी दिनों से हमारी मांग थी कि बोले कि हमको सीसीटीवी कैमरे की रिक्वायरमेंट थी, जिससे यहाँ पर गली में चोरी वगैरह, चोरी की वारदातें होती थी और कभी किसी का पेट्रोल चोरी होना, कभी किसी गाड़ी के ऊपर कुछ स्क्रैच वगैरह कर देना, ऐसी बहुत सी वारदातें होती थी, जिसके मद्देनज़र होते हुए हमारी गली के जैसे रफीक चाचू है, बबलू भाई है, हमीद भाई है, नाजिम भाई, शरीफ भाई है, सब लोगों का मतलब पावस्कर चाचा है, सब लोगों की मतलब इसमें यही डिमांड थी कि हमको मतलब सीसीटीवी कैमरे लगा के दिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब, हमारे अमित भाई, शानू पठान साहब, अश्विन राउत, साकिब दाते, हम सब के हमके प्रयासों से जो है आज हमने इस कैमरे की इफ्तिताह की है और इंशाल्लाह ताला आगे चल कर भी जो है इस गली के भी जितने भी काम हैं, जो बचे काम हैं, जैसा भी अभी हम लोगों को बताया गया कि भाई गटर और इधर कंप्लेंट करके हमको पानी की पाइपलाइन वगैरह का काम करना है, तो बचे कुछ भी जितने भी काम हैं इंशाल्लाह हम आने आने दिनों में उसको भी पूरा करके हम इसको पूरा करके देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के मार्गदर्शन में और हमारे विरोधी पक्ष नेता शानू पठान के नेतृत्व में हमने एक महीना पहले यहाँ पर एक मीटिंग किए थे, जिससे मीटिंग में हमसे लोगों ने मांग की थी कि हमें पूरे डोंगरे नगर परिसर के अंदर हमें सीसीटीवी कैमरे लगा के दिए जाए। उस मांगनी को देखते हुए हमने तत्काल उस पर काम चालू किया। हमने एरिया के जिम्मेदार हमारे बबलू भाई है, रफीक चाचू है, नाजिम भाई है, साबिर भाई और सभी लोग, पावस्कर चाचा है, आसिम भाई, हम इन सबके साथ मिलकर हमने एक सर्वे किया और सर्वे को देखते हुए हर सोसाइटी को हमने कवर करने की कोशिश की और उससे बेहतरीन बात यह कि हमने इसका डिटेल स्टोरेज हर तीन भाग में डिवाइड करके सोसाइटी के जिम्मे ही दिया, सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी के जिम्मे ही उसको दिया है हमने और ये स्टोरेज और डिटेल्स उन्हीं के पास रहेगी कि अगर कोई चोरी होती है या कुछ वारदात होती है, जैसे हमारी माँ बहनों का सुरक्षा को लेके कुछ होता है, छेड़खानी होती है या कुछ और मामला होते हैं, उसे फौरी तौर पर ऑन द स्पॉट देखा जाए और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। मेंटेनेंस के लिए क्या इंतजाम रखा गया, क्योंकि पहले अब तो ऐसा हो गया, शिकायतें हैं कि पहले लोग वायर काटते हैं फिर अपनी वारदात, नहीं मेंटेनेंस के लिए भी इसके जिसको हमने काम जिससे करवाया उसके हम लोग ने 2 साल का उसके साथ मेंटेनेंस भी ये किया कि 2 साल की मेंटेनेंस की सर्विस भी उसी को दी जाएगी, अगर वायर वगैरह या कुछ कटती है या कुछ भी खराबी होती है तो 2 साल का मेंटेनेंस सर्विस भी उसके साथ में उसमें इंक्लूड है। कितने दिनों का डेटा रहेगा इसमें? दस दिन का स्टोरेज रहेगा। जनता की हिफाजत के लिए कैमरे तो लग गए, परिसर की जनता को कैमरों की हिफाजत के लिए क्या कहेंगे? देखो हमने लगा के दिया है, उनका
अभी थोड़ा देख रेख का काम जनता का भी है, जनता उसके ऊपर नजर रखे, कभी वायर कटती है तो उसको खाली इन्फॉर्म करें, हम लोगों को यहाँ के जिम्मेदारों को इन्फॉर्म करें और उसके ऊपर तुरंत काम करके हम लोग उसको काम को मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। और कौन कौन से काम को अंजाम देने वाले? आगे चल के यहाँ पर अभी गटर का है, पानी का थोड़ा सा, पानी की नई लाइन का काम चालू होने वाला है, उसके ऊपर हम अभी हमारा सर्वे चल रहा है, इंशाल्लाह जल्द ही ये काम को मुकम्मल किया जाएगा और आगे भी सोसाइटीज़ में हमने इसको काम को बरकरार रखेंगे। घास वाला, अलमास, तनवर कॉम्प्लेक्स, ये सब सोसाइटी में भी बहुत जल्द जैसी हमको वहाँ पे रिक्वायरमेंट आती जाएगी इंशाल्लाह, बहुत जल्द वहाँ पर भी हमारी टीम पूरी इंशाल्लाह उसको काम को मुकम्मल करेगी सीसीटीवी।